Hay que empezar otro. Question number 11. A person standing on the bank of a river observes the angle of elevation of the top of the tree standing on the opposite bank is 60 degrees. Okay. तो ये ऐसे मान लीजिए, मैं अब इसको ये रिवर मान लेता हूँ और यहां पर खड़ा है मेरा आदमी, ये यहां मेरा आदमी खड़ा है और यहां पर मेरा ट्री है और ये ट्री का टॉप है। अब देखिए, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 60 डिग्री। सर यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ओके। When he moves 40 meter away from the bank, तो ये जो बंदा है आपका, ये बंदा इस साइड चला गया and he went 40 meter away. The angle of elevation is 30 degree. ये जो angle of elevation है, ये हो जाता है 30 degree. सर यहाँ तक कोई doubt है? No sir. देखिए फिर से, जो हमने इस question में किया था, question 10th में, आपको समझना पड़ेगा, please एक बार तसल्ली से समझ लीजिए। ये स्ट्रीट लाइट है, फिर से समझ लीजिए, आप यहां खड़े होके इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये है, बट अगर आप यहां से दूर जाते हैं और यहां से देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये 60 डिग्री है और आप अगर लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, बट द इनवर्स विल हैपन अगर आप दूर खड़े हैं और आप पास आते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ऊपर हो जाएगा। भाई समझ नहीं आ रहा मिस्टर रुद्र? समझा बेटा, तसल्ली से समझ लो, ये सारे क्वेश्चन में यही सब ताम झाम चलेगा, तो एक ही बार टाइम लगा के खुद से इसको समझने की कोशिश करो। ओके, तो यही वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने किया था। डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि जब हमने 10th क्वेश्चन किया था तो हमने ये जो है इसको कैलकुलेट किया था, ये जो है इसको कैलकुलेट किया था, ये गिवन था, और ये क्वेश्चन में आपको ये गिवन है और ये निकालना है। भाई समझ नहीं आया? समझ आया। अब एक चीज और आपको, देखिए एक चीज और तसल्ली से समझिए प्लीज, गलती मत कीजिए, एक चीज और आपको ये समझनी पड़ेगी। ये अब देखिए, हाइट ऑफ द थ्री आई ट्री करेक्ट टू द टू डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ है, मेरी बात समझ आई? समझ आ रहा। तो इसलिए आपको जैसे अब आप रूट टू आएगा या रूट थ्री आएगा या रूट फाइव की जो वैल्यू है वो ट्राई कीजिए, आपको थ्री डेसिमल प्लेसेस तक यू शुड बी अवेयर। नहीं समझ में आया? ये आपको रटी होनी चाहिए क्योंकि एनीवेज आपको 11 12th में यूज करनी ही है, तो ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। ये लॉग में आपको 11 12th में केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी अगर आपको ये वैल्यूज रटी हुई है। सर समझ नहीं आ रहा? मिस्टर रुद्र समझ नहीं आ रहा? मिस्टर रुद्र समझ नहीं आ रहा? समझा। ओके, तो इसकी पहले तसल्ली से एक फोटो बनाएंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने तसल्ली से एक फोटोग्राफ बना ली। अब इसमें जो आपको फाइंड करना है, एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा ये फाइंड करना है। सर ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो। जो भी फोटो आप बनाएंगे प्लीज उसको लेबल कीजिए, ए बी सी डी लेबल कीजिए, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो हाइट है ये एच है। सर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब मैं क्या करता हूँ, जो ट्राइंगल ए बी सी को कंसिडर करता हूँ तो वहां मैं क्या लिखता हूँ कि टैन 60 जो है वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी सी। सर कोई डाउट है यहां तक? सर आप चाहते हैं इसको, ये विड्थ ऑफ रिवर है, ये जो बीसी है याद रखिए, जो बीसी है वो विड्थ ऑफ रिवर है,
चीजें इजी करने के लिए आप इसको डब्ल्यू करके लिख दिए, ये डब्ल्यू लिख लीजिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और ए बी जो है वो ट्री था ना, हाइट ऑफ ट्री। मिस्टर शिवांग, मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? एच जी जी। तो बी सी जो आ गया वो डब्ल्यू आ गया, और टैन 60 मेरे मैजिक ट्रायंगल के हिसाब से कितना होता है? रूट थ्री। तो फर्स्ट रिलेशनशिप जो मेरे पास आ गया वो आ गया एच इज इक्वल टू रूट थ्री डब्ल्यू। सर यहां तक कोई डाउट है? नो सर। चलो देर से हो गया था यहां तक जी। क्या करेंगे? ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी में क्या होगा फिर से भाई? एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है मेरा? बीडी। एबी क्या है? एच। बीडी कितना हो गया शमा? बीडी कितना हो जाएगा? बीडी एक्स प्लस 40 डिग्री, सॉरी डब्ल्यू प्लस 40 डिग्री। W प्लस 40। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो है 1/√3। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी रूट थ्री एच इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 40। शिवांग तेरे से बना रहे इक्वेशन टू? जी बन गया था। इसके बाद क्या करें? बोलो भाई। अब आपको क्या करना है, ये जो h की वैल्यू है यहां पर, ये रूट थ्री डब्ल्यू ये डाल दीजिए यहां पर। भाई समझ नहीं आया? समझ आ रहा है। तो आपको आवाज आ रही है? हाँ। तो शिवांग यहां क्या बन जाएगा? 3W। ये हुआ था नहीं हुआ था? नहीं, मैंने दूसरे मेथड से किया। ओके। W20 आया था नहीं आया था? नहीं आया था। उधर आपका आया था? ये W 20 मीटर आ गया। तो एच कितना आ जाएगा जमा? W 20 मीटर आ गया, तो फिर एच tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन 20। अरे सर h इज इक्वल टू रूट थ्री डब्ल्यू है, ये देखिए आंखें खोली रखी है, w की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो h की वैल्यू रूट थ्री इंटू 20, बात खत्म। और रूट थ्री वैल्यू, रूट थ्री की वैल्यू क्या लिखोगे बोलिए? 1.732 into 20। समझ नहीं आ रहा, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। मैं शुरू तो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। ये क्वेश्चंस यूजुअली थोड़े टाइम लेते हैं, तसल्ली से कीजिए। करेक्ट आंसर। हाँ, तसल्ली से क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन टाइम भी लेते हैं। फिगर आपकी फर्स्ट क्लास बननी चाहिए, दो बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक्चुअली सेम से ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कोई खास डिफरेंस आता नहीं है, तो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो तकलीफ नहीं आती। और कभी क्वेश्चन किया ही नहीं है, पहली बार एग्जाम में कर रहे हो, फिर तो परेशानी आएगी, बट ये यूजुअली सेम से क्वेश्चन आता है। इसमें जो जहां जहां गलती होती है वो ये होती है, एक तो आप इसको लेबल नहीं करते, जो ट्राइंगल है उसको लेबल नहीं करते, आप ऐसी बेवकूफ की तरह शुरू कर देते हो। दूसरा जो गलती आती है वो गलती ये आती है, जैसे tan 60 है उसमें आपने ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर कुछ गलती कर दी, या फिर tan 60 की वैल्यू कंफ्यूजन में आपने गलत यहाँ पर लिख दी। और तीसरी जो गलती है वो ये हो सकती है, ये जो इक्वेशन है इसको देख के आप डर गए, समझ नहीं आया। मिस्टर उधर समझ नहीं आ रहा मेरी बात? समझा। ये सारे टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं, सेम से ही क्वेश्चंस होते हैं।
दो बार क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, दो बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वही बात समझ आई? यस सर।